सो टेकन 3 हमारे बचपन का वन ऑफ द बेस्ट गेम है जिसके साथ हमारी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी है। सो इसी मेमोरी को ताजा करने के लिए मैं ऐसे ही टेकन 3 खेल रहा था। सो पहले मैंने जिन से प्ले किया और फिर ओगर से, फिर ट्रोगर से, फिर योशिमित्सु से एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स के साथ। सो काफी टाइम गेम खेलने के बाद पता नहीं क्यों मैं थोड़ा बोर होने लगा, क्योंकि भले ही टेकन 3 हमारे बचपन का वन ऑफ द बेस्ट गेम है बट अब की टेकन सीरीज टेकन 3 से टेकन 8 तक पहुंच गई है, इसलिए मुझे भी टेकन 7 या टेकन 8 के जैसे हाई ग्राफिक्स गेम की आदत हो गई है। सो इसे ही सोचते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या मैं टेकन 3 को बिल्कुल टेकन 7 के ही जैसे HD ग्राफिक्स में बना सकता हूँ। इसलिए काफी रिसर्च करने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया कि हम भले ही टेकन 3 को टेकन 7 जैसा नहीं बना सकते बट टेकन 7 को टेकन 3 जैसा जरूर बना सकते हैं, जिसके लिए मैं मोड्स का यूज करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं क्या टेकन 7 हमें टेकन 3 खिला पाएगा और वो भी रियलिस्टिक ग्राफिक्स में। तो सबसे पहले तो मेरे टेकन 7 को देख सकते हो, इसमें अभी मैंने कोई भी मॉड इंस्टॉल नहीं किया है, ये नॉर्मल टेकन 7 है। और हाँ, इन मोड्स को इंस्टॉल करने के लिए टेकन 7 की ऑलमोस्ट सभी DLC और सीजन पास होने चाहिए ताकि सभी मोड्स ठीक से वर्क करे, एंड थैंक्स कि मेरे पास सारे DLC और सीजन पास है। तो चलो फिर एक एक करके मोड्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेकन 3 के कैरेक्टर्स को देखे तो जैसे की ओगर, ट्रू ओगर या फिर गॉन, सो ऐसे कैरेक्टर्स टेकन 7 में नहीं है। इवन ये कैरेक्टर्स तो टेकन सीरीज के मेन गेम्स में भी नहीं है, इसलिए हम टेकन 7 के अदर कैरेक्टर्स की स्किन मेन कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे, वो भी मोड्स के थ्रू। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फाकुम राम को बना दिया है टेकन 3 का ओगर, जो कि तुम भी देख सकते हो ये बिल्कुल फेक नहीं लग रहा है, मोड इतना ज्यादा अच्छा है कि जैसा कि लग रहा है ओगर टेकन 7 का ही कैरेक्टर है। फिर इसके बाद ऐसे ही करके हम और भी कैरेक्टर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अब ट्रू ओगर का मोड गीगास में इंस्टॉल किया और भाई साहब ये देखो, ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल टेकन टैग 2 के ट्रू ओगर जैसा। सो ये दो तो हो गए गेम के मेन विलन्स जो कि टेकन 7 में नहीं थे, बट मुझे इंस्टॉल करना है टेकन 7 में उन कैरेक्टर्स का आउटफिट को जो टेकन 3 में थे, और जिन पॉल हियाची जैसे कैरेक्टर्स के आउटफिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टेकन 7 में पहले से ही है। बट योशिमित्सु जैसे कैरेक्टर्स को चेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि टेकन 7 में योशिमित्सु का आर्मर अलग है और टेकन 3 में अलग था। तो चलो फिर इसको भी इंस्टॉल करते हैं। सो देख सकते हो भाई, ये बन गया है अपना टेकन 3 वाला योशिमित्सु, बिल्कुल वही आर्मर है जो योशिमित्सु टेकन 3 में पहनता था। एंड इसके बाद ऐसे ही करके मैंने और भी कैरेक्टर्स के टेकन 3 वाले आउटफिट्स को इंस्टॉल किया, जैसे कि नीना, एना, किंग, होरेंग एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स जो कि सच में टेकन 3 के ही जैसे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, अगर तुम भी ये मोड्स इंस्टॉल करने वाले हो तो एक बात को ध्यान में रखना कि ये ऐसा नहीं है कि फाइल को एक्सट्रैक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो और बस मोड इंस्टॉल हो गया। फाइल को पेस्ट करने के बाद तुम्हें कैरेक्टर की स्किन कैरेक्टर कस्टमाइजेशन में मिलेगी और वहीं से तुम कैरेक्टर को कस्टमाइज करके उसकी न्यू स्किन या आउटफिट को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियो में कर रहा हूँ। सो ये तो हो गए इंस्टॉल टेकन 3 के कैरेक्टर्स। इसके बाद इंस्टॉल करते हैं टेकन 3 के स्टेजेस को। सो काफी रिसर्च करने के बाद मुझे बस टेकन 3 के दो ही स्टेज मिले क्योंकि इसके फैन मेड बहुत ही कम स्टेजेस है और जो है भी तो वो परचेजेबल है, जो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा पैसे वेस्ट नहीं करने, इसलिए हम पहले टेकन 3 के दो स्टेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि टेकन 3 का ओगर्स टेंपल। एंड अब देखो भाई, ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, बिल्कुल सेम टेकन 3 के ही जैसा। याद है ना कैसे हम टेकन 3 में ओगर को डिफीट करने के बाद ट्रू ओगर से फाइट करते थे तो उसमें स्टेज का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता था, और ये मोड भी सेम है, उसी स्टेज की वाइब दे रहा है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज टेकन 3 का है स्काई रिंग, जो कि किंग का स्टेज था, जिसको मैंने अरीना स्टेज से रिप्लेस कर दिया है। और देखो भाई, ये भी कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये फेक होगा या मोड से बनाया होगा, डिटेलिंग्स इतनी ज्यादा अच्छी की गई है। जैसे कि बैकग्राउंड में भी देख सकते हो हमें कुछ सोल्जर्स देखने को मिलते हैं और वो एक्चुअल में मूव भी करते हैं, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो कोई फाइट को एंजॉय कर रहा है। इवन स्टेज में हेलीकॉप्टर को भी देख सकते हो जो कि और भी रियलिस्टिक के साथ उनकी शैडोज भी दिखती है। सच में ये स्टेज तो ओगर्स टेंपल से भी ज्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद टेकन 3 के और स्टेज तो नहीं है, इसलिए मैंने और भी अदर स्टेजेस को ऐड किए हैं जो कि फ्री थे और काफी अच्छे भी हैं, जैसे कि आइसलैंड पार्क, फॉरेस्ट ऑफ डे फेट, डार्क अर्जू एंड और भी थोड़े बहुत अच्छे स्टेजेस। और अब बारी है टेकन 3 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को इंस्टॉल करने की, जो कि है टेकन 3 का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। ये गेम के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो फील नहीं आएगा कि हम टेकन 3 खेल रहे हैं।
सो अब मैंने इसमें टेकन 3 के म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को इंस्टॉल कर दिया, जिसमें हमें बस टेकन 3 का म्यूजिक ही नहीं मिलता बल्कि इसमें टेकन 3 के सारे अनाउंसमेंट मिलते हैं, जैसे कि मेन्यू मूव, मेन्यू बैक, कैरेक्टर सेलेक्ट मूव, कैरेक्टर सेलेक्ट, स्टेज सेलेक्ट, फिर इसके बाद कैरेक्टर्स के भी अनाउंसमेंट है। इवन इसमें तो मैच के टाइम टेकन 3 के नंबर्स 1-10 या राउंड 1-8, डबल के ओ, ग्रेट, फाइनल राउंड, फाइट, टाइम अप, यू लूज, यू विन, गेम ओवर, डबल के ओ, ड्रॉ, के ओ, परफेक्ट, कंटिन्यू और गेम ओवर की भी अनाउंसमेंट मिल जाती है। ये बिल्कुल टेकन 3 के साउंड या म्यूजिक की फीलिंग दे रहा है। फिर इसके बाद और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे कहीं भी नहीं मिली, जैसे कि टेकन 3 का कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन है, इसलिए फिर मैंने कोई और टेकन का कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन इंस्टॉल किया जो थोड़ा बहुत टेकन 3 से मैच करता है। इवन इसमें कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन ही नहीं बल्कि स्टेज का भी एक न्यू सिलेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक ही है। एंड आई थिंक अब मैंने सारे इंपॉर्टेंट टेकन 3 के मोड्स टेकन 7 में इंस्टॉल कर लिए हैं। बस थोड़ी बहुत चीजें मैं और भी इंस्टॉल कर देता हूँ जिससे हमारा गेम और भी ज्यादा रियल लगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टेकन 3 का लाइफ बार, सो ये ऐड हो गया। फिर टेकन 3 का लोडिंग आइकन, सिलेक्शन राइट लेफ्ट, राइट में ओगर का लोगो आ चुका है एंड और भी ऐसी थोड़ी बहुत चीजें मैंने इंस्टॉल की है। सो आई थिंक मैंने अब टेकन 3 के सारे मोड्स इंस्टॉल कर लिए हैं और तुम भी देख सकते हो ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसलिए चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा गेम प्ले दिखाता हूँ, सो गेम प्ले को एंजॉय करो। तो बस गाइस यही था गेम प्ले, और अगर इसका फुल आर्केड गेम प्ले चाहिए तो मैंने अपने गेमिंग चैनल फाइटिंग जनरेशन पर डाल रखा है, वहां से जाके तुम देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और चेकआउट करो। और मुझे पता है तुम सब मुझे कमेंट में पूछने वाले हो कि मैंने ये तो बता दिया कि मोड्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं बट कहां से डाउनलोड करें ये नहीं बताया, सो वो भी मैं बता देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दो वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं जहां पर तुम्हें टेकन के सारे मोड्स मिल जाएंगे, जो चाहे वो मोड्स डाउनलोड कर सकते हो, बस तुम्हें सर्च करना है। इवन तुम्हें वहां पर सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी कि मोड्स को कौन से फाइल में इंस्टॉल करना है, सो यहां पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ यार, ये मोड्स ढूंढना फिर चेक करना कि काम कर रहा है या नहीं, गेम क्रैश होना, ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। सो प्लीज जाते हुए एक लाइक तो कर ही सकते हो, तो लाइक कर देना, और अगर नहीं हो तो फिर ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलूंगा तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय एंड टेक केयर।